हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए वीडियो लेकर आइए, तो आज से मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो आगे और भी नए नए टॉपिक पर वीडियो आने वाली है ट्यूबवेल ऑपरेटर से संबंधित। ये वीडियो सभी ट्रेड के लिए है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, मैकेनिक हो, या उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ट्यूबवेल ऑपरेटर का फॉर्म डाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सभी पेपर जो होने वाले हैं वो कंबाइंड होंगे, यानी एक ही होगा, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, सभी का क्वेश्चन एक ही आएगा, सब कंबाइंड होगा, एक ही क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सबके लिए एक ही पेपर होने वाला है। वो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पेपर नहीं तैयार किया गया, एक ही पेपर आएगा, एक ही क्वेश्चन होंगे सभी के लिए। तो और बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसीलिए मैं काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन अभी आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड, एक इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले मैंने ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए यूथ कंपटीशन की एक प्रैक्टिस वर्कबुक के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, जिन लोगों ने ना देखा हो आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस बुक से प्रैक्टिस सेट की वीडियो बनाऊं और बुक की प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूं, तो मैं इस वीडियो पे 200 लाइक का एम रखता हूं। अगर 150 से 200 लाइक, 200 के बीच में इस वीडियो पर लाइक आ गए तो मैं उस बुक से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैं वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी प्रकार ट्यूबवेल ऑपरेटर का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर दूंगा और पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड, मैं एम रखता हूँ जल्दी से जल्दी 200 लाइक अगर आ गए इस वीडियो के ऊपर, तो मैं बहुत जल्द एक ही दो दिन के अंदर उस बुक से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा और पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करूंगा आपका ओरिजिनल। आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर की भी और सोल्यूशन के साथ में प्रैक्टिस सेट का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड, 200 लाइक का एम रखता हूँ, अगर 150 से 200 लाइक भी आ गए तो मैं आपको जल्द से जल्द उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा दूंगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड, एक बात और बता दें, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो वो मिट्टी के तेल में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन टेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना इसका काम होता है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो थल समीर कहलाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौथा नंबर, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो वो है सूर्य और अरुण। सूर्य और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिलामेंट, जो पतला तार होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छः नंबर हमारा, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक सेकंड। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, जो घड़ी आती है नॉर्मल घड़ी, उससे मापा जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, तो वो एक सेकंड है लघुत्तम। नेक्स्ट है हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों को के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, दूध के दांत कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आठवां नंबर, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वो है समतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नौवां नंबर क्वेश्चन हमारा, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है क्या कहलाता है? वो है सेलुलोज। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वो है
अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, सूरज की उष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? वो है विकिरण। विकिरण ऐसी प्रक्रिया है जिससे सूरज की उष्मा हम तक पहुंचती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं विकिरण। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे की मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे, अब आंसर पूछ रहा है पर, संरक्षण और जंग लगने से बचाता है। ठीक है, जिंक का जो कोटिंग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि उसका वो सुरक्षित रहे और जंग ना लगे उसमें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो टॉर्च में वो लेंस लगा होता है, जो आगे शीशा कांच, तो वो कौन सा लेंस होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, मैं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, वरना ऑप्शन भी पढ़ना पड़ता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आ जाएगा कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ता है क्यों? अब उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, प्रज्वलन ताप कम होता है, प्रज्वलन ताप अधिक होता है, जो भी हो चार ऑप्शन दे देंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया यहाँ पर, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो उसका कारण होता है प्रज्वलन ताप कम होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि बलुई मिट्टी क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो WWTP का फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये एक प्लांट होता है जिसमें वेस्ट वाटर को फिल्टराइज वगैरह करके उसको उपयोगी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो है एंटीबायोटिक। सभी को पता होगा, सब लोग दवा लेते हैं, बुखार वगैरह में एंटीबायोटिक दे देते हैं तो वो बहुत जल्दी असर करता है, बट एंटीबायोटिक थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेने पे बहुत नुकसानदायक होता है, इसीलिए एंटीबायोटिक का सेवन कम ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? उस प्रक्रिया का नाम है अंत संयंत्रण, इनफिल्ट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है तो वो क्या है? शैवाल और कावक। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टेक्निकल से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आगे ऐसे ही इसकी सीरीज चलती रहेगी, और भी टॉपिक पे अगर आप कमेंट में बताएंगे तो और भी टॉपिक पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सीरीज, जैसे हिंदी, जीके, इन सब पे टॉपिक पे, इंग्लिश, जो भी इंग्लिश है इसमें इंग्लिश का हम प्रोवाइड कर देंगे, और मैथ के MCQ सारे करवा देंगे। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें बताइए, हम सभी के प्रैक्टिस। और इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले शुरुआती में बताया कि अगर 200 लाइक आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो इस तरीके से तो चलता ही रहेगा टॉपिक वाइज सीरीज। उस प्रैक्टिस बुक से भी मैं प्रैक्टिस ओरिजिनल प्रैक्टिस बुक का मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पर, और PDF भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप बाद में भी आपका रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें इसका। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, और इसका जो आंसर, राइट आंसर होगा, उसको मैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये पार्ट वन था, सेकंड पार्ट में उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ये है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। क्विज ऑफ द डे, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। कार्य का मात्रक है, आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है, ए वॉट, बी जूल, सी न्यूटन,
डी एम्पियर। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इसका आंसर पता होगा, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सही आंसर देंगे। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया, हम जरूर बताएंगे और राइट आंसर भी इसका हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और फ्रेंड्स उस बुक के बारे में फिर से मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि उस बुक की प्रैक्टिस सेट अगर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए क्योंकि बहुत समय कम है, 2 सितंबर को एग्ज़ाम है, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा लाभ मिले। तो फ्रेंड 200 लाइक का एम रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए, हम आपके लिए हमेशा सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को दिखाइए और उनसे कहिए कि ज़्यादा से लाइक करें और वो कमेंट करें, हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो प्रैक्टिस सेट नहीं मिली और प्रैक्टिस सेट कराएं तो हम जल्द से जल्द प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप 200 लाइक बहुत जल्द हो जाएंगे और मैं कल ही इसको जहां तक स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस सेट, अगर 200 लाइक आ गए तो। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।